मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के कुछ विधायकों ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुबह करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री रेशिमबाग स्थित स्मृति भवन में प्रवेश किया। इस मौके पर उनके साथ विधायक भरत गोगावले मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचार प्रमुख सुनील देशपांडे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत किया। भेंट के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम प्रगतिशील राज्य में सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। हम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी फैसले ले रहे हैं। हिंदुत्व और स्मृति मंदिर के मुद्दे का इससे कोई लेना देना नहीं है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारों के हिंदुत्व को संरक्षित कर रहे हैं। हम उस विचार पर काम कर रहे हैं। यह आम आदमी की सरकार है, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के दौरान देवेंद्र फडणवीस द्वारा शुरू की गई कई योजनाएं बंद हो गई थी। हमने उन विकास योजनाओं को शुरू किया है। शासन की योजनाओं का लाभ जनता को मिले और वे सुखी एवं समृद्ध हो। हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति को सभी योजनाओं का लाभ मिले। स्मृति मंदिर परिसर हमारे लिए प्रेरणा और प्रेरणा का स्थान है। यह कार्य ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए मैं यहाँ माथा टेकने आया हूँ। यह सेवा करने का स्थान है, इसलिए हमें समाज की सेवा करने की प्रेरणा यही से मिलती है। मुझे क्या मिलेगा, मैं देश और समाज के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि हम यहाँ इसी सोच के साथ जा रहे हैं। ये पुरोगामी महाराष्ट्र, ये राज्य का कल्चर संस्कृति अन्य राज्यों से भिन्न है। यह सभी समाज सभी जाति पाति के लोग साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में अपने अपने त्योहार मनाते हैं, सब खुशी से सब रहते हैं। और इसलिए राज्य में जातीय सलोखा कानून व्यवस्था और ना बिगड़ना चाहिए, ऐसी खुशी समाज रहती है। और इस पे सभी वर्गों का जो एक ओपिनियन है निश्चित रूप से लेने के बाद जो भी योग्य निर्णय होगा जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए वो सरकार लेगा, क्योंकि ये सरकार जनता की सरकार। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।